मैसेक 6.0 जो है फाइनली आज Redmi Note 5 Pro के रिलीज हो गया है। तो हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम technobuzz.net। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसेक X 6.0 के बारे में और उसके कुछ फीचर्स और कैसे आप उसको अपने Redmi Note 5 Pro में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने आज अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर जो है मैसेक 6.0 इंस्टॉल कर लिया है। मैं सेटिंग्स में आपको सबसे पहले इसके ऑल स्पेक्स पेज दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, MIUI वर्जन जो है MIUI 10 मैसेक 6.0, एंड्रॉइड वर्जन पाई 9.0 पे ये रन करता है। सिक्योरिटी पैच आपको 1 जून 2019 का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैसेक क्रोम के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके MIUI 10 के स्टॉक क्रोम में नहीं मिलती। काफ़ी सारी चीज़ों को रिमूव भी किया गया होता है ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। आपको चाइनीज ब्लॉटवेयर कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, कोई भी MI की फालतू एप्लीकेशंस नहीं मिलेगी और रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है जिसके थ्रू आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस और उसकी जो स्टेबिलिटी वो काफ़ी बढ़िया रहती है। तो वोल्ट का फीचर परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। 198 जो आपका जियो का कस्टमर केयर नंबर है। देखिए, हमने कॉल कनेक्ट कर दी है। तो ये देखिए, फोन हमारा कनेक्ट हो गया है। ऊपर आपको कॉल टाइमर मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी होते हैं। जो जितने भी आपको बटन्स मिलते हैं आपकी कॉलिंग स्क्रीन के ऊपर, आप उसको सिंगल रो या डबल रो में भी कर सकते हैं, जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। आप सिंपली अपने फ़ोन की जो डायरेक्ट सेटिंग्स होती है उसके अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको एडवांस सेटिंग्स मिलती है, उसमें एक ऑप्शन मिलता है बटन इन वन रो। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आप बटन जो है टू रोज में आपको देंगे। उससे पूछेगा आपको कौन कौन से बटन वहाँ शो करने। अगर आपको लगता है कोई बटन वहाँ पे शो नहीं करना है, सपोज़ कीजिए कि आपको यहाँ पे म्यूट का बटन शो नहीं करना है, तो आप देखिए डायल पैड में जाता हूँ मैं फिर से डायल करता हूँ। अब आपको जो है बटन सारे दो रो में दिखेंगे और अब आपको यहाँ पे म्यूट का बटन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि अच्छे फीचर्स हैं। अब सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। पूरा लेआउट आपको MIUI 10 का ही मिलता है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे आपको नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले में डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलता है। आप उसके आइकन्स का साइज़ जो है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्मॉल पे कर रखा है। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं तो काफ़ी छोटे रहते हैं, या आप लार्ज पे भी इसको कर सकते हैं, जो भी आप इसको करना चाहें। तो ये फीचर आपको यहाँ मिल जाता है। रीडिंग मोड, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे देख पाते हैं। आपको यहाँ पे डार्क मोड मिल जाता है जो कि परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा है, उसमें कोई सचेस इशू नहीं है। आप इसको इनेबल या डिसेबल यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस ड्यूरिंग कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है। सिस्टम फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको कौन से रखना चाहते हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक, डबल टैप स्क्रीन टू वेक, डबल टैप टू लॉक ऑन लॉक स्क्रीन, और डबल टैप टू लॉक ऑन लॉन्चर। ये भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। रेस टू वेक और सिस्टम एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे हम डिफॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अल्फा यूज़ कर लेते हैं तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का ऊपर आपको एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। ये देखिए ऊपर और नीचे कुछ इस तरीके का। अगर आप इसको कुछ और कर देते हैं स्केल में, देन आपको कुछ अलग सा एक ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो आप इनके एनिमेशन हैं उनको आप इजीली इसके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप डिस्प्ले में जाके देख पाते हैं। वॉलपेपर थीम्स एज इट इज़ वैसे ही है, बट थीम्स के अंदर जो है आप थर्ड पार्टी थीम्स आपको सपोर्ट करती हैं, बट साथ ही कुछ और फीचर भी आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो आपको आपके MIUI 10 स्टॉक रोम में देखने को नहीं मिलते। आप MI अकाउंट में जाइए अपने कस्टमाइज थीम पे, आप देख पा रहे होंगे आपको लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, आइकन्स, मैसेजिंग, डायल पैड, फेवरेट ट्रे, बूट एनिमेशंस एंड बूट ऑडियो के ऑप्शन मिलते हैं, जहां से आप इनको इजीली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप इसके थीम्स में जाके देख पाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन का पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलता है। साइलेंट मोड मिल जाता है आपको ऊपर। वॉल्यूम बार की लोकेशन आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइम पे जो वॉल्यूम बार की लोकेशन है वो हमारी लेफ्ट साइड पे है। अगर आप चाहते हैं इसको राइट हैंड पे करना है तो आप इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड पे करते हैं हम, तो अब इस तरीके से भी राइट हैंड पे आपके आ जाते हैं। तो ये ऑप्शंस आप देख पाते हैं इसके अंदर। आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वाइब्रेटफुल कॉल्स वगैरह, जो आपको पता है क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे स्क्रीन लॉकिंग साउंड, डिलीट साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे इजिली मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के ऊपर। फिंगरप्रिंट एंड फेस डाटा इसमें परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई सचेस इशू नहीं है आपको उसके अंदर। आपको बाकी इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स में जाएं तो आपको जो है लॉक स्क्रीन फॉर्मेट मिल जाता है। देख पा रहे हैं आपको तीन तरीके के फॉर्मेट जो इसमें परफेक्टली काम कर रहे हैं। ये देखिए हमारी लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक है, इस टाइम पे आपको कुछ और तरीके देखने मिल रही होगी। अब हम इसको फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लेते हैं तो उसमें कोई सचेस इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो लॉक स्क्रीन एंड
जो आपकी नोटिफिकेशन वो सारे आपको मैं दिखा चुका हूँ इसके अंदर। अब चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल दें, ये देखिए आइकन एंड स्टेटस बार, आपको कौन कौन से आइकन स्टेटस बार पर चाहिए। आपको अलार्म आइकन को हाइड करना है तो उसको आप हाइड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने स्टेटस बार पर दो ऑप्शंस इनेबल कर रखे हैं, शो वेदर एंड शो सिटी। आप जैसे ड्रॉप डाउन करेंगे इस तरीके से आपको ये देख पा रहे होंगे ऊपर आपको जो है सिटी एंड आपको जो आपके टेम्परेचर है आपके वेदर टेम्परेचर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको डिसेबल कर देंगे, ये देखिए मैं इनको दोनों को डिसेबल कर देता हूँ, अब ये दोनों ऑप्शन जो है वहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। ये देखिए अब वो दोनों ऑप्शन जो है वहाँ से हट चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि परफेक्टली आपके फोन के अंदर काम करता हुआ दिखता है। बाकी आपको इंडिकेटर्स चाहिए आपके नेटवर्क इंडिकेटर्स, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कनेक्शन स्पीड, कलर नोटिफिकेशन, आप करियर नेम को चेंज कर सकते हैं, बैटरी इंडिकेटर में ग्राफिकल, परसेंटेज इन द आइकन या परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकन, ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पाते हैं। बाकी आप टॉगल से मिनिमम शेड या एक्सपेंडेबल शेड यहाँ से कर सकते हैं। शो ऑन लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन शेड, शॉर्टकट या नोटिफिकेशन स्टाइल, आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली जाके मैनेज कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं, होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स के ऊपर। इसके अंदर आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट आपको इसके अंदर स्क्रीन लेआउट है वो काफ़ी सारा मिल जाता है जो कि आपको आपके अपने MIUI 10 स्टॉक रोम के अंदर नहीं मिलता है, चाहे वो बेटा वर्जन हो चाहे वो स्टेबल वर्जन। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलता है। ब्लर ऐप प्रीव्यूज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शो सजेशन, हाइड आइकन्स वगैरह, ये सारे फोल्डर, ब्लर ऐप बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। आपको स्क्रीन टाइम यानी डिजिटल व्यूइंग वो भी आप इसके अंदर देख पाते हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जो आपको MIUI 10 में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको AI प्रीलोडिंग मिल जाता है, एक्सट्रीम बैटरी सेवर मिल जाता है, ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टोरेज, एमरजेंसी, SOS, इनके बारे में आपको बताऊंगा नहीं मैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर दिखा देता हूँ। अगर आप अपने MIUI डिवाइस में जाते हैं और ऑल स्पेक्स पे जाते हैं और MIUI वर्जन पे 8 से 9 बार टैप करते हैं, देन आपके फोन के अंदर जो एडिशनल सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डेवलपर ऑप्शंस। ये देखिए डेवलपर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जो है एक्सटेंडेड पावर मेनू को आप इनेबल कर देते हैं तो देन आपके पावर मेनू के अंदर कुछ आपको नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से। ये देखिए पावर मेनू के अंदर आपको रिकवरी मोड और फास्ट बूट मोड का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली अपने फोन को जो है रिकवरी मोड या फास्ट बूट मोड पे यहाँ पे बूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है सेटिंग्स का पैनल मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ। क्विक टॉगल्स में आपको नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे यहीं से आप जो है ड्रॉप डाउन करके अपने वाईफाई को चेंज कर सकते हैं, सिम को स्वैप कर सकते हैं, तो ये फीचर भी परफेक्टली काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट के अंदर भी आपको नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट में आपको क्या क्या नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये देखिए अगर आप स्क्रीन कैप्चर करते हैं यहाँ से, तो उसके बाद जो है आपको स्क्रॉल या सेंड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप जो इसको डायरेक्टली किसी भी अपने सर्विसेज पे इसको डायरेक्टली सेंड करते हैं। अब बात करते हैं कैमरे की, कैमरा आपको कौन सा मिलता है। कैमरा आपको MIUI का ही मिलता है, जिसमें आपको AI मोड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड मिल जाता है। आपको स्क्वायर मोड, पैनोरमा मोड और मैनुअल मोड मिल जाता है, बट देख पा रहे होंगे मैनुअल मोड के अंदर आपको वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड और ISO के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो के अंदर जो है आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए सेटिंग्स में आप यहाँ पे आपको 4K की ऑप्शन मिल जाता है। एक और चीज़ जो आपको आपके MIUI 10 के फ़ोन में नहीं मिलता है, अगर आप कभी भी कोई पिक्चर क्लिक करते हैं जिसमें कोई भी बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसमें क्लाउड होता है, तो आप उसकी क्लाउड को जाके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा फिल्टर होता है जिसके थ्रू आप जो है क्लाउड का जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर स्काई मोड मिल जाता है जिसमें आप उसमें क्लाउडी, रेनबो या ग्लो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट जो है आप इसके अंदर इजीली दे सकते हैं। कैमरा टू API इसके अंदर प्री इनेबल्ड है, दैट मीन्स आपकी गूगल कैमरा इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम बूस्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको परफेक्टली काम कर रहा है। आपको देख पा रहे होंगे आपको कोई भी फालतू के MI के एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं मिलते हैं। काफ़ी स्टेबल रोम है, काफ़ी अच्छा रोम है, बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके MIUI 10 स्टॉक रोम से। अगर आप अपने MIUI 10 का स्टॉक रोम है उससे परेशान है और उसकी बैटरी बैकअप आपको अच्छा नहीं मिलता है, देन आपको इस रोम पर एक बार स्विच करना चाहिए और इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर, मैं आपको बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूं। बेंचमार्क स्कोर मिलता है 119526, इतना MIUI 10 के स्टॉक रोम को भी आज तक नहीं मिला है, जिससे आपको पता चल सकता है इस रोम की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। स्पीड बूस्टर आपको मिल जाता है, जिससे डायरेक्टली आप अपनी गेम्स वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में जाकर आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड बूस्टर का। ये देखिए गेम स्पीड बूस्टर को यहाँ से इसको ओपन कीजिए, उसके बाद जो भी गेम है इसको यहाँ से आप लॉन्च कर दीजिए। देखिए मैंने आपके लिए PUBG गेम को लॉन्च कर दिया ताकि मैं आपको इसके एक बार ग्राफिक पेज भी दिखा सकूं।
तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर पबजी का ग्राफिक पेज है। आप बैलेंस मोड पे रख सकते हैं गेम को और फ्रेम रेट को सिर्फ मीडियम पे रख सकते हैं। HD मोड पे आप इसके अंदर नहीं खेल पाते हैं। यहाँ से आप स्वाइप करेंगे तो आपको जो गेम स्पीड बूस्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप सीम्स को स्वैप कर सकते हैं, गेम स्पीड बूस्टर को यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन कैप्चर को यहाँ से इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कैसे करेंगे। आप कोई भी कस्टम रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, चाहे TWRP हो, चाहे पिच ब्लैक हो, चाहे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी हो। बट कल मैंने ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आज मैंने इसको ऑरेंज फॉक्स की जो रिकवरी है उससे ट्राई किया है, तो मैं उसी से आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको सिंपली जो आपकी जो मैसेज की फाइल है 6.0 उसको डाउनलोड कर लेना है, जिसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं फाइल मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैसेज 6.0 1.56 GB की आसपास की फाइल है। हम अपने फ़ोन को अब डायरेक्टली यहीं से कस्टम रिकवरी में बूट कर लेते हैं, क्योंकि हमको पावर के बटन के अंदर ऑप्शन मिलता है, तो यहीं से हम रिकवरी मोड पर चले जाते हैं। अदरवाइज आप वॉल्यूम अप और पावर के बटन को प्रेस करके कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे। हम आज इसके अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फ़ोन जो है आज ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर बूट करेगा। तो ये देखिए हमारा फोन जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में बूट कर चुका है। नीचे एक ऑप्शन थर्ड नंबर पर वाइप, वाइप पे जाएंगे, डाल्विक कैश कैश टाटा सिस्टम वेंडर इन सबको वाइप कर देंगे, इंटरनल स्टोरेज को वाइप नहीं करते हैं। जैसे आप स्वाइप टू वाइप कर देंगे उसके बाद वापस आपको होम स्क्रीन के ऊपर आना है। आपको वहाँ पे कोई भी इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। ये देखिए मैं होम पे आता हूँ, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको डायरेक्टली मैसेज की फाइल सेलेक्ट करनी है। ये देखिए सेलेक्ट कीजिए एंड स्वाइप टू इंस्टॉल। अब इनका अपना एरोमा इंस्टॉलर जो होता है मैसेज का, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, जहाँ से आप सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि आप पूछता है होस्ट फाइल आपको चाहिए कि नहीं, कौन सा आपका ऑडियो इंजन चाहिए और कौन सा रूट एक्सेस चाहिए कि नहीं। अगर आप रूट करना चाहते हैं तो इसको इनेबल करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डिसेबल कर दीजिए। मैं रूट करना चाहता हूं तो मैं इनेबल रखूंगा। उसके बाद कोई एप्लीकेशन आपने रिमूव करनी है, सपोज कीजिए कि आपको इसके अंदर स्कैनर नहीं चाहिए, कंपास नहीं चाहिए, कैलकुलेटर नहीं चाहिए, उसको रिमूव कर दीजिए यहीं से डायरेक्टली। उसके बाद आपको कौन सा स्टेटस बार चाहिए उस तरह आप यूज करते हैं, MIUI का या iOS का, उसको सेलेक्ट करते हैं। चलो हम iOS कर लेते हैं इस बार। आइकन साइज आपको जो है स्टॉक होम चाहिए या आपको रिड्यूस चाहिए, आपको छोटा आइकन चाहिए तो रिड्यूस कर दीजिए इसको, मटेरियल डिजाइन चाहिए या म्यूजिक स्टाइल वो, और आपको बूट एनिमेशन कौन सा चाहिए वो आप सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में आपका फोन जैसे इंस्टॉल होता है आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली अपने आप रिबूट हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 100% कंप्लीट हो गया है। आप नेक्स्ट करेंगे, वापस आपकी रिकवरी पे मोड पे जाएगा और वहाँ से आप इसको डायरेक्टली रीबूट सिस्टम कर दीजिए। अब कुछ ही देर में आपके स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज क्रोम की बूट स्क्रीन आएगी। दैट मींस कि आपने मैसेज 6.0 को अपने रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद एज इट इज़ जो आपका MIUI 10 का सेटअप पेज होता है वो आएगा, और उसके बाद आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और मैसेज 6.0 के सभी फीचर्स जो है अपने रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर इंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए बूट स्क्रीन आ गई है, यानी रोम हमारा फ्लैश हो गया है। तो उम्मीद करते हूँ आपको आज का ये वीडियो और आज का ये रोम पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।